सो वेल हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इनटू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो वेल गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा अल्ट्रा लेजेंड लेवल प्रोफेशनल महंगी आईडी। सो गाइस, इस आईडी का अगर मैं प्राइस आपको बताऊँ ना तो गाइस आपके तो एकदम खड़े हो जाने वाले कान, क्योंकि इस आईडी का जो प्राइस बैठता है अप्रोक्स 1.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा के लगभग बैठता है। तो मैं फ्री फायर जैसा एक और गेम बना के खड़ा कर दूंगा एंड उसकी हेल्प से इसके कई इंटू कई ज्यादा डॉलर्स अर्न कर लूंगा। जिस भी बंदे को सही से ये नहीं पता है कि 1.5 करोड़ अमाउंट कितना होता है तो एक बार गूगल पे जाके सर्च करें। कहीं सर आप एक तरफ से खुद सोच के देखो कि कहीं सर जब फ्री फायर बैन होने की न्यूज आई थी तो कहीं सर आखिर इस बंदे का रिएक्शन कैसा रहा होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ओवर द हॉरिजन लेवल होने वाली है, तो जो भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाक से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक करके शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सर जो अभी आप आईडी देखने वाले हो वो इतनी ओवर द हॉरिजन लेवल आईडी है जिसका मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। तो गाइस सर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। गाइजर इधर हम आ चुके हैं अपनी आईडी में एंड गाइजर इस आईडी का जो प्लेयर है वो गाइजर कोई मॉडरेटर प्लेयर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ यार, वो एक वी बैच वाला बंदा है। जब वी बैच वाला बंदा है तो आपको लग रहा होगा कि आखिर आप इस यूट्यूबर को जानते ही होंगे, तो मैं बता देता हूँ इस यूट्यूबर का नेम है गेमिंग ट्रेंड। गाइजर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आखिर आप में से कौन कौन बंदा है जो कि इस बंदे को जानता है एंड गाइजर आप में से किस किस बंदे की विश थी कि आप गेमिंग ट्रेंड की आईडी को एक बार देखो। गाइजर जहां तक है मैंने आपको इसके जितने भी कैरेक्टर दिखाए हैं उनमें से शायद एक या दो ही कैरेक्टर है जो इस बंदे ने अभी तक के परचेज नहीं है। उसके अलावा गाइस अगर आप इसके कलेक्शन तो को देखोगे करती इधर इसके फुल बॉडी में ही लगभग 30 से ज्यादा बंडल है एंड मेरे हिसाब से डायनासोर के तो जहां तक इस बंदे ने सारे ही बंडल ले रखे हैं। उसके अलावा इस बंदे के पास सारे के सारे क्रिमिनल बंडल जिसके आप देख पा रहे होंगे, इधर इसके पास हमारे सारे के सारे डायनासोर है। उसके अलावा गाइस इस बंदे के पास है ये आइस क्यूब वाला भी एंड ये गाइस अपना अजीब सा स्केलेटन वाला रोबोट वाला बंडल भी। इस बंदे के पास है बैटल वुल्फ, यार इस बंदे के पास ऐसे ऐसे बंडल है जो कि मैंने आज तक की पहली बार देख रहा हूं। इस बंदे के पास वन पंच मैन का बंडल भी है, उसके अलावा भी बहुत ही सारे बंडल है। बट अगर हम क्रिमिनल में बात करें तो बंदे के पास सिर्फ एक ही क्रिमिनल का बंडल है। उसके अलावा गाइजर जब हम स्टार्ट करते हैं इसके कलेक्शन से तो स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही ओवर द हॉरिजन लेवल के बंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टार्टिंग के दो थे वो तो यार एकदम कलर चेंज करने वाले थे, बुयर्डे एंड आपका कोबरा वाला। इसके अलावा गाइजर इस बंदे ने ले रखे हैं बहुत ही सारे इलाइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये वी बैच वाला बंदा है तो इसने फ्री फायर से मांग लिए होंगे, बट गाइस फ्री फायर वाले इतने अच्छे नहीं है। अगर हम बात करें अपने इंडियन सर्वर के वी बैच वाले बंदों की तो उन्हें गाइजर ये फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। गाइजर वो किसी भी सीजन का इलाइट पास ले ले, यार इसके पास जितने भी इलाइट पास जितने भी रेयर बंडल है ये सब इसने खुद ही कलेक्ट करे। जो हमारी वीडियो चल रही है वो एकदम 2x स्पीड में चल रही है। उसके अलावा गाइस इस बंदे के पास एक समुराई वाला बंडल भी है जो कि रेयरेस्ट बंडल है पूरे समुराई बंडल का। उसके अलावा गाइस और भी बहुत ही सारे बंडल्स है इस बंदे के पास, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से नेवर एंडिंग है क्योंकि ये खत्म ही नहीं होना चाह रहे हैं। भाई देखो कितने सारे बंडल है इस बंदे के पास, मतलब स्टोर के बंडल तो है ही, उसके अलावा जितने भी इवेंट से बंडल आते हैं वो सारे के सारे इस बंदे ने परचेज कर रखे हैं। जैसे कि आप इसके इलाइट पास देख पा रहे होंगे, इसके पास बहुत ही सारे इलाइट पास है। बात करें अगर उसके इलाइट पास की तो इलाइट पास की तो इस बंदे के पास कभी ही नहीं है यार, देखो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे आए जा रहे हैं। इसके पास जोकर का मोस्ट रेयरेस्ट एंड टॉप वाला बंडल भी है। उसके अलावा गाइस देखो यार इस बंदे के पास ये वाला बंडल भी है जो कि शायद से हमारे मिस्ट्री शॉप में आया था। उसके अलावा गाइस जो हमारा ये वाला बंडल है इसका तो मेरे को याद नहीं है, बट गाइस ये भी शायद रेयर ही है। तो गाइस आप इसके बंडल्स देख ही पा रहे होंगे यार, नेवर एंडिंग कलेक्शन है इस बंदे का जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड अगर हम बात करें इसकी क्लोथिंग सेक्शन की तो लगभग 670 गाइस टॉप से 385 लगभग इसके पास हेड है एंड जहां तक 282 के लगभग फेस मास्क है, 57 फेस पेंट है एंड 473 पैंट है। इतनी चीजें तो मैंने किसी मॉडरेटर की आईडी में भी नहीं देखी है। आप इधर देख पा रहे हो इधर इसके पास बहुत ही सारे सारे बंडल्स हैं एंड जहां तक है इधर इसके पास कुछ का इधर डायमंड रॉयल के एंड बाकी कुछ आइटम्स इसके ऐसी है जो कि इसने इवेंट में से उड़ाए होंगे। आपको क्या लगता है जितना कलेक्शन मैंने आपको इस बंदे का भी दिखाया है उस हिसाब से इस बंदे की आईडी का एग्जैक्ट प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी आपको समथिंग में बताया था, बट आपको क्या लगता है इसकी आईडी का एग्जैक्ट प्राइस कितना होगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलना। अगर इस बात करें अगर हम इस बंदे के बंडल्स की तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, अभी 670 थे तो लगभग 300 के समथिंग हमने बंडल कंप्लीट कर लिए हैं, बट अभी बहुत ही सारे इस बंदे के पास बंडल्स हैं। जैसे कि इधर आप इधर देख ही पा रहे होंगे यार कितने ही सारे बंडल्स इस बंदे के पास है यार, इधर मतलब नेवर एंडलेस कलेक्शन है। एंड गाइस कलेक्शन तो ऐसा है, मतलब कुछ बंडल तो ऐसे है जो कि यार मैंने अभी तक के देख ही नहीं थे, यार मैं आज पहली बार उन बंडल्स को देख रहा हूं। जहां तक है ये बंदा हर एक इलाइट पास बाय करता है एंड इलाइट पास बाय करने के साथ ही
साथ ये बंदा उनके बैजेस भी बाय कर लेता है। आज की इस वाले वीडियो में आपके लिए गिव अवे डिटेल है, तो गाइस मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ आज के गिव अवे की। तो गाइस आज शाम लगभग 7 बजे के अक्रॉस हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे होने वाला है एक गिव अवे। 7 बजे के वक्त मैं अपने दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक एक रिडीम कोड रिवील कर दूंगा। एंड गाइस दोनों रिडीम कोड ही 200 रुपए के होने वाले हैं। दोनों ही इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो गाइस अगर आपको कोई भी जाके फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। गूगल से फॉलो करोगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि किस टाइम पे स्टोरी अपलोड हुई है। जो बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का अकाउंट्स का लिंक है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस अभी लगभग 3:30 मिनट हो चुके हैं मेरे को इसके आईडी दिखाते दिखाते, लेकिन गाइस अभी तक के इसका कलेक्शन खत्म ही नहीं हुआ है। एंड गाइस इधर इस बंदे के पास है आपका हिप हॉप इलाइट पास। अगर गाइस हम इसकी आईडी को सिर्फ सकूरा एंड हिप हॉप इलाइट पास के बेसिस पे देखे तो लगभग 30,000 की गाइस इसकी आईडी ऐसी हो जाती है 2 बंडल्स की, अगर गाइस आपका फ्री फायर गेम बैन नहीं होता है। एंड अगर बैन हो गया तो सब कचरा ही हो जाएगा। अभी हम इसके और हेड्स देखते हैं कि आखिर इस बंदे के पास कौन कौन से हेड है। जैसे तो इधर बहुत ही सारे हेड है, दिखाते दिखाते पता चला वीडियो ही ओवर हो जाएगी। तो इधर अब हम हेड को स्किप कर देते हैं एंड आपको सारे के सारे फेस मास्क दिखा देते हैं। तो इस बंदे के पास लगभग सारे के सारे ही फेस मास्क हैं। अब आ जाते हैं पैंट्स पे, तो इधर पैंट्स भी आप देख पा रहे होंगे इस बंदे के पास बहुत ही सारी पैंट्स है, बट जहां तक मैंने आपको बंडल्स दिखाई दिए तो पैंट भी सारी की सारी दिखाई दी होगी। बस वो वाली पैंट दिखा देता हूं, शायद मैंने आपको नहीं दिखाई है जैसे कि अभी पीछे ही शॉट गया था। बाकी तो मैंने कहा जरा आपको इसका पूरा का पूरा कलेक्शन रिवील कर ही दिया है, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद इधर हम बढ़ेंगे इसके इमोट सेक्शन कलेक्शन पे एंड इधर व्हीकल प्रोफाइल म्यूजिक अदर एंड सारे के सारे सेक्शन में आपको अभी दिखाने वाला हूं। जो इसका गन कलेक्शन है उसे देखने के बाद आपको एकदम मजा ही आ जाने वाला है। सो वेल गाइस आखिरकार इसका कलेक्शन ओवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी बाकी कलेक्शन से जो कि अदर्स में आता है। तो इधर आप देख पा रहे हो इधर इसके पास एक बंडल है बट इसने अभी तक के ओपन नहीं करा। इसके अलावा भी गाइस इस बंदे के पास शायद क्रोनो की 4 ग्रेट है जो कि साइड में ही रखी हुई है, तो ये सब तो एकदम बेकार ही है। तो हम मोड से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है, वो भी पूरी 6 एनिमेशन। तो इस बंदे के पास लगभग सारी की सारी ही एनिमेशन है। मेरी फेवरेट तो बुयर्डे वाली है, तो इधर हम बुयर्डे ही लगी रहने देंगे। उसके अलावा इधर अगर हम बात करते हैं इसके इमोट की, तो गाइस 100 इमोट के लगभग इस बंदे के पास इमोट है। सबसे बेस्ट वाला ये है जो कि ये बंदा अभी परफॉर्म कर रहा है। यार तो ये लग रहा है कि ये बंदा हर सीजन इमोट पार्टी में 10,000 डायमंड्स लगा देता होगा। एंड गाइस सबसे बेस्ट जो मुझे पूरी इसकी आईडी में लगा है वो गाइस एकदम पहला वाला इमोट है जो कि एकदम एपिक लेवल का इमोट है। उसके अलावा गाइस इस बंदे के पास 2 और एपिक लेवल के इमोट है, एक अपना क्रोनो वाला एंड इससे हटके वाला। मतलब गाइस बंदा बोर ही हो जाता होगा, समझ नहीं पाता होगा कि आखिर गाइस मैं इमोट लूं तो कौन सा लूं, इतने इमोट्स हैं। एक इमोट सेक्शन में सिर्फ 8 इमोट्स होते हैं एंड इस बंदे के पास तो बहुत ही सारे इमोट्स हैं। सच में गाइस इस बंदे के पूरे कलेक्शन में मुझे इसका सबसे बेस्ट कलेक्शन लगा वो इमोट कलेक्शन ही लगा, क्योंकि सर एंडलेस कलेक्शन है एंड बहुत ही तगड़ा है। सर इमोट्स के पास इतने सारे हैं कि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि आखिर इतने इमोट किसके बंदे आईडी में हो गए, क्योंकि सर इतने इमोट तो मैंने किसी मॉडरेटर की आईडी में भी नहीं देखे हैं, जबकि मैंने बहुत ही सारी मॉडरेटर आईडी का भी रिव्यू कर ही दिया है। सो वेल गाइस इधर इसका इमोट सेक्शन ओवर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पैराशूट सेक्शन से, तो गाइस पैराशूट भी इस बंदे के पास बहुत सारे हैं एंड बैकपैक आप देख पा रहे होंगे बैकपैक ही तो कभी है ही नहीं बंदे के पास। गाइस हद से ज्यादा रेयर आपके सकूरा इलाइट पास का बैकपैक है इस बंदे के पास, उसके अलावा एपिक लेवल की तो है ही, लेकिन गाइस इन सबसे ज्यादा रेयर आपका ये इलाइट पास वाला बैकपैक है। ऑब्वियस ही बात है जब बंदे के पास सकूरा बंडल है तो बैकपैक क्यों ही नहीं होगा। जिसके आईडी में सबसे बेस्ट बात है वो गाइस ये है कि ये बंदे ने सिर्फ वही आइटम्स नहीं लिए है जो कि डायमंड में आते हैं, यार वो भी आइटम ले रखे हैं जो कि बिना डायमंड में मिलते हैं।
इधर कई सर 143 के समथिंग इस बंदे के पास बैकपैक है, जो कि कई सर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है ऐसा बैकपैक के लिए। अगर मैं हर मैच के बाद भी बैकपैक चेंज करूं तो कई सर मेरे को लग जाएंगे लगभग 100 से भी ज्यादा दिन, अगर मैं रोज के 14 से 15 मैच भी खेलता हूं, क्योंकि सर इस बंदे के बैकपैक का कलेक्शन भी एकदम एंडलेस ही है। उसके बाद कई सर अगर आप बढ़ते हैं इस बंदे के लूट बॉक्स सेक्शन पे तो लगभग 40-76 लगभग इसके पास लूट बॉक्सेस है। तो आप इधर देख ही पा रहे होगे आखिर इस बंदे के पास कितने ही सारे लूट बॉक्स है, एंडलेस कलेक्शन है इस बंदे के पास लूट बॉक्सेस का। उसके अलावा इधर इस बंदे के पास 4 एयरप्लेन से उतरने वाला आइटम भी है जिसको हम कहते हैं स्काई विंग, तो उसे तो रिमूव ही कर देते हैं। उसके अलावा इधर इस बंदे के पास इधर बहुत ही सारे स्केटबोर्ड भी है, जो सभी स्केटबोर्ड से बेस्ट है वो तो इधर यही वाला है। यार मैंने आज तक के इससे बढ़िया अपने फ्री फायर में एक भी सर्फ बोर्ड नहीं देखा। यार आपको क्या लगता है यार ये वाला सर्फ बोर्ड कैसा है, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना मत भूलना। इधर हम आ चुके हैं इसके कारों के सेक्शन में। यार इस बंदे के पास व्हीकल्स का भी कितना तगड़ा सेक्शन है, एंड सिर्फ फरारी की ही इस बंदे के पास 17 के लगभग स्किन्स है, एंड सबसे बेस्ट वाली मैकलारेन की सबसे टॉप वाली स्किन भी है इस बंदे के पास। उसके अलावा इस बंदे के पास है बहुत ही सारे फॉर्मूला 1 एंड इधर बाकी नॉर्मल स्किन्स। इधर आप कोबरा की बाइक वाली स्किन देख पा रहे होंगे जो कि मेरे हिसाब से हायाबुसा की अभी तक की सबसे ज्यादा लेजेंडरी स्किन है। इधर इस बंदे के पास अपने इस जंक ट्रक की भी बहुत ही सारी स्किन्स है, एंड इधर अगर हम बात करें जीप की तो इधर इस बंदे का जिप्सी की अब तक की सबसे ज्यादा रेयर स्किन है, जो कि इधर आपको बहुत पहले मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलती थी। सच में इधर जिस टाइम पे मेरे को मैजिक क्यूब अपने डायमंड ट्रायल से मिले थे ना उस टाइम पे ये अवेलेबल थी, बट यार मेरे को कदर ही नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैजिक क्यूब के आइटम कोई रिमूव थोड़ी होंगे बाद में ले लेंगे। इस तब मैंने ये जीप की स्किन छोड़ दी, बट मुझे पता ही क्या था कि आगे चल के ये वाली जीप की स्किन इतनी ज्यादा रेयर हो जाएगी। जहां तक मैंने आपको इसका लगभग 45% कलेक्शन दिखा दिया है, तो इधर आपको इसका पेट भी दिखा देता हूं। पेट कलेक्शन भी इस बंदे का बहुत ही तगड़ा है, जहां तक एक या दो ही पेट है जो कि इस बंदे ने अभी तक के अनलॉक नहीं करे है, बाकी तो सारे पेट अनलॉक हो रखे है। एंड गाइस इधर आज की इस वाली वीडियो को बस यही पे रोक देते हैं, क्योंकि जहां तक है आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। एंड गाइस इधर इसकी आईडी का अभी मैंने आपको फीमेल कलेक्शन एंड गन कलेक्शन नहीं दिखाया, जो इसका फीमेल कलेक्शन एंड जो इसका गन कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।